चलिए करते हैं आज हम मून मेडिटेशन। मून मेडिटेशन जब पूर्णिमा की रात होती है उस दिन किया जाता है। इस शीतल चांदनी की रात में किया गया मेडिटेशन हमारे मन को, हमारे सारे इमोशंस को शांत करता है। हमारे शरीर में जो भी गतिविधियां हो रही होती हैं, जो भी उत्तेजनाएं हो रही होती हैं, वो शांत होती हैं, मन शांत होता है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर बना है 75% पानी से, और जब समुद्र की कलाएं, समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो हमारे मूड पे, हमारे इमोशंस पे इफ़ेक्ट आता है, चाहे वो अमावस्या हो चाहे फुल मून हो। तो लेट्स गेट टुगेदर, सिट डाउन, क्लोज आवर आईज एंड एन्जॉय मून मेडिटेशन विद मी। मून मेडिटेशन करने के लिए आपको या तो ईस्ट की तरफ फेस करना चाहिए या वेस्ट की तरफ, और महसूस करिए कि या तो मून आपके सामने है या चंद्रमा आपके पीछे है। आंखें बंद करके बैठिए, मधुर ध्वनि को सुनिए, कनेक्ट हो जाइए उस चांदनी से, सफ़ेद चांदनी जो आपके ऊपर गिरती जा रही है, जिसकी बारिश आपके ऊपर हो रही है। ये पल फिर एक महीने बाद ही आएगा। अगर आप शुरू के 5 दिनों में, यानी मून फुल मून नाइट के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद करते हैं, तो देखिए, क्योंकि चंद्रमा उस समय अपनी करीब करीब पूरी फुल आकृति लिए हुए होता है, तो आपको इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ही सुंदर पड़ेगा। हम इस संसार में कितनी चीज़ों को देखते हैं, हमारा मन विचलित होता है, और ये प्रकृति हमारे मन पर प्रभाव डालती है। चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएं हमें ना जाने कितनी तरीके से प्रभावित करती हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो मानसिक रोगी होते हैं उनके मूड, या कभी कभी हमारे भी मूड स्विंग्स पूर्णिमा और अमावस्या को बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आइए, चलिए तैयार होते हैं बैठने के बाद इस प्यारे से मेडिटेशन को करने के लिए, अपने अंदर एक उस ऊर्जा का संचार करने के लिए जिसके लिए हम पूरा महीना इंतज़ार करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे और हम एक शांत जगह बैठे हैं जहाँ पे सिर्फ चांदनी मेरे ऊपर बिखर रही है, महसूस करेंगे ऐसा। वो चांद की किरणें, वो सुंदर चांद जिसे चकोर देखता ही रह जाता है, वही चांदनी आज मेरे ऊपर बरस रही है। ये बरसती हुई चांदनी की किरणें मुझे शीतलता प्रदान कर रही है। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, फिर लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, एक और लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब हम तैयार हैं उस ओम की ध्वनि के लिए जो इस ब्रह्मांड की ध्वनि है। इस नाद के साथ हम अपने एनर्जी सर्कल्स को एक्टिवेट करेंगे। आइए, लंबी गहरी सांस लीजिए और बोलिए मेरे साथ, ओ। सांस छोड़ते हुए फिर लंबी गहरी सांस लेंगे और नाद करेंगे ओमकार का, ओ। फिर एक सांस लेंगे और फिर ये ओमकार की नाद ध्वनि करेंगे, ओ। पूरे शरीर में तरंगे फैल गई हैं, पूरे शरीर में एक ऊर्जा का संचार हो रहा है। कानों में मेरे अभी तक ओमकार की नाद की गुंजन हो रही है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट,
सांस लें और छोड़ें। मन की आंखों से उस चंद्रमा को देखिए और देखिए चंद्रमा की किरणें आपके ऊपर बरस रही हैं, आपके ऊपर अमृत बरसा रही है, आप उस शीतल किरणों में नहा रहे हैं, आपका मन शांत होता जा रहा है, आपके शरीर का एक एक रोम पुलकित होता जा रहा है, आप एक नई ऊर्जा का संचार महसूस कर रहे हैं। बस मानो आप समर्पित हैं इस समय चंद्रमा के आगे, नतमस्तक हैं। महसूस करिए इस ऊर्जा को जो बह रही है आपके भीतर। एक महीने से आपका शरीर, आपका मन, आपका तन तरस रहा था इस ऊर्जा को जो आपके भीतर बहता जा रहा है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। बस सांसों को ना छोड़ें। सांसें आपके रोम रोम में ये किरणों की पवित्रता को लेके जाएंगी। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ये चंद्रमा मन की आंखों से देखिए कितना सुंदर है। ना जाने कितने कवियों ने कितनी कविताएं लिखी हैं। चंद्रमा जब किसी के पत्री में स्ट्रांग होता है तो उसका मन भी स्ट्रांग रहता है। मन बहुत काबू में रहता है, मन स्थिर रहता है, मन बाहर की चीज़ों से घबराता नहीं है। उसकी मन की शक्ति बहुत ताकतवर होती है। ये चंद्रमा की किरणें आपके सिर से भीतर प्रवेश कर रही है, आपके क्राउन चक्र से आपके भीतर धीरे धीरे आपके एक एक बाल के कण कण में प्रवाहित होती हुई आपके माथे पे आ रही है। आपके माथे के नीचे ज़रा सा आपका आज्ञा चक्र किरणें लेके बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा है। किरणें आपके आँखों में, आपके चेहरे पे, आपके होठों में, आपके कानों में बहती हुई, आपके गले में, आपके कंठ में विराजमान है। ये आपकी वाणी को मधुर बना रही है। सारी कड़वाहट ये अमृत वाली किरणें पी रही हैं और शरीर के भीतर भीतर प्रवेश करती जा रही है। ये चांदनी आपके गले से होती हुई, आपके कंधे से प्रवाहित होती हुई, दोनों हाथों में प्रवाहित हो रही है, जैसे कोई करंट दौड़ रहा हो, लेकिन ये करंट आपको शीतलता दे रहा है। ये ऊर्जा अब आपके छाती के बीच में है, आपको एक नई ऊर्जा दे रही है, नई शीतलता दे रही है, नई शांति का अनुभव करा रही है। जैसे दूध जैसी सफ़ेद चांदनी आपको और सुंदर बना रही है, आपकी सारी बीमारियों को आपके कण कण में प्रवेश करके निकाल रही है। ये दुग्ध जैसी सफ़ेद सफ़ेद किरणें और नीचे जा रही हैं, आपके वक्ष स्थल से नीचे होते हुए, छाती से नीचे होते हुए आपके नाभि के पास पहुंच गई है। नाभि तक का शरीर एकदम हल्का महसूस कर रहा है, क्योंकि जितने भी विकार उसमें, जितने भी अवरोध थे, सब बहते जा रहे हैं। महसूस करिए उन किरणों को जो आपके नाभि के नीचे आपके जननेंद्रियों तक पहुंच गए हैं, और अब वहां से आपके थाइस के ज़रिए, आपके घुटनों से होते हुए, आपकी पूरे टांगों को सहलाती हुई ये किरणें, आपकी एड़ी को दबाती हुई, दर्द को दूर करती हुई, आपके पैरों के पंजों की उंगलियों से बाहर सारे विकारों को, नेगेटिव एनर्जी को लेते हुए ज़मीन में बस जाती जा रही है, यानी आपकी ग्राउंडिंग हो रही है। आप पृथ्वी तत्व से जुड़ रहे हैं और उधर आकाश तत्व से जुड़े हुए हैं। आपके शरीर में, मन में पूरा बैलेंस है। इतना सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं आपके सामने। आपके कानों में सुंदर ध्वनि सुनाई दे रही है। थोड़ी देर की ये शांति, थोड़ी देर के लिए आवाज़ को हम चुप कर रहे हैं
और सिर्फ अपने भीतर आती हुई आवाज़ को सुनेंगे जो हमारा शरीर हमसे कहना चाह रहा है। ऐसा लग रहा है मानो आज मैंने जो ये चंद्रमा की किरणों में जो आज स्नान किया है, मैं एकदम पवित्र आत्मा हो गई हूँ। एक पवित्र शरीर लेके मैं अपने मन को भी पवित्र कर रही हूँ। मेरी आत्मा तो अपने आप ही पवित्र हो जाती है जब मेरे विचार शुद्ध हो जाते हैं। जब मेरे विचार शुद्ध हो जाते हैं तो मेरी आत्मा अपने आप ही पवित्र हो जाती है, और मैं अपने आप को ना जाने क्या क्या सोचती हूँ और क्या क्या करती भी रुक जाती हूँ। हूँ तो मैं एक इंसान ही, क्या क्या विचार मेरे दिमाग में आते हैं जब मैं परेशान होती हूँ, गुस्से में होती हूँ, या ना जाने क्या करने की मेरी चाहत होती है, और ये चंद्रमा की कलाएँ मेरे मन को भी विचलित करती हैं। आज मेरा सारा विचलन समाप्त हो गया है क्योंकि मैं समर्पित हूँ उन चंद्रमा की भीगी भीगी किरणों में जो आज मैं महसूस कर रही हूँ। मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है और इसको मैं महसूस कर रही हूँ अपने भीतर, अपने बाहर, अपने चारों तरफ। ये ऊर्जा धीरे धीरे मेरे शरीर से बाहर फैलती जा रही है। ये सफ़ेद प्रकाश मेरे शरीर से बाहर निकलता व मेरे जिस भी जगह में बैठी हूँ, जिस आंगन में, जिस छत पे, जिस बालकनी में, जिस कमरे में मैं बैठी हूँ, फैलता जा रहा है। मेरा पूरा घर सफ़ेद प्रकाश से भर चुका है। मेरा पूरा पूरा देश सफ़ेद प्रकाश से फैल गया है। अब मेरी पहुँच यूनिवर्स तक हो गई है। उस ब्रह्मांड तक मैं सफ़ेद प्रकाश भेज रही हूँ जहाँ से मैंने सफ़ेद प्रकाश लिया था, और चंद्रमा भी उसी में है। धीरे धीरे सफ़ेद प्रकाश को मैं अपने तक समेट रही हूँ और मैं सफ़ेद प्रकाश को वापस अपने भीतर ले आई हूँ। महसूस कर रही हूँ मैं इस ऊर्जा को जो आज मुझे नई ताज़गी, नई ऊर्जा, नए उमंग दे के गया है। बुद्ध भी तो इसी चांदनी में बैठते थे और ज्ञान लेते थे। कितने ही ऋषि मुनि हुए, उन्होंने इस बेला का बहुत इस्तेमाल किया है और अपने आप को एक अलग ही जगह लेके गए हैं। सांस लें और छोड़ें और महसूस करिए कुछ पलों के लिए ससीम शांति को, बस सिर्फ चुपचाप अपने साथ जुड़ते हुए। कितना अच्छा लग रहा है जब मैं दो पल भी शांति से अपने साथ जुड़ती हूँ। ना जाने मैंने कितना समय चकर चकर लोगों के साथ करके अपना विचार, अपना मन को खंडित किया है, पीड़ित किया है, दुखी किया है, और आज वो दिन है जिसमें मुझे अपने साथ रहना है उस चांदनी, उस दूध जैसी आती हुई धाराओं के साथ जो मेरे ऊपर मेरा स्नान करवा रही है। ऐसा लग रहा है मानो उस दूध जैसी चांदनी में मेरा आज अभिषेक हो गया है, और अभिषेक होते ही मैं बहुत ही सुंदर बनती जा रही हूँ, अंदर से, बाहर से, वातावरण। मैं इस चांदनी को, इस चंद्रमा को प्रणाम करती हूँ जिसने आज मुझे एक नया जीवन दान दिया है, मेरे मन को उत्साहित किया है, मेरे अंदर जो आते विचार विचलित करते थे उन्हें शांत किया है। मैं आभारी हूँ उस चंद्रमा का, उस प्रकृति का। उसने मुझे सारे तो इलाज दे रखे हैं, मैं ही नादान हूँ जो जगह जगह भटकती रहती हूँ आज की इस रात को और आने वाली दो रातों को, और फिर अगले महीने की पिछली दो रातों को, यानी इन पांच रातों को मैं ये जो मेरा मून मेडिटेशन है इसको करके मैं अपना मन को संतुलित करने की कोशिश कर रही हूँ।
लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। महसूस करिए उस असीम शांति को जो अभी आपके भीतर है। ये शांति न जाने आपको कहाँ ले जाएगी, किन किन सवालों के जवाब दे देगी जो आप न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे, भटक रहे थे। और अब हम फिर ओमकार की नाद करेंगे, उसके लिए लंबी गहरी सांस लेंगे पूरा मन, पूरा शरीर शांत हो चुका है। इसी अवस्था में आप कुछ पल रहिए और जब आपका मन हो धीरे धीरे आप आंखें खोल सकते हैं। महसूस करिए अपनी इस असीम शांति को जो इस समय आपके साथ है। धन्यवाद, मैं आपकी आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने ये मेडिटेशन मेरे साथ किया। थैंक यू।